तो दोस्तों हम लोग 3050 की हमारी दूसरी वीडियो लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हमने 3050 की एक वीडियो अपलोड कर रखी है और उससे पहले भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी 3050 की। जो इससे पहले हमारी 3050 की वीडियो आई थी वो ईस्ट फेसिंग थी और ये वेस्ट फेसिंग है, और इसके बाद नॉर्थ और साउथ फेसिंग की वीडियो भी आएंगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए इसी चैनल पर। और दोस्तों अगर आप इससे अलग साइज की वीडियो चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों जो ये हाउस प्लान है इसकी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी कि इस हाउस की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी और इसका बिल्डअप एरिया कितना है और बाकी इसमें रूम वगैरह आपको यहाँ पर कितने देखने को मिल जाते हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। और जो इसके डाउनलोड लिंक्स हैं प्लान के वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ बिना किसी देरी के हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और क्या तो दोस्तों आप इसी के साथ हाउस का ओवरऑल व्यू देख सकते हैं। एलिवेशन आपको यहाँ पर मॉडर्न लुक में देखने को मिल जाता है। आप इसका बाउंड्री वॉल डिजाइन देख सकते हैं और आपको यहाँ पर पेडेस्ट्रियन गेट अलग से देखने को मिल जाता है। और आप हाउस के फ्रंट में देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक पॉकेट गार्डन देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद हम हाउस के पार्किंग एरिया की तरफ चलते हैं और इसका साइज 12 फिट बाय 22 फिट और 9 इंच का रहेगा। आपको यहाँ पर काफी अच्छा पार्किंग एरिया देखने को मिल जाता है और इसी के साथ आपको पार्किंग एरिया से हाउस की एक पर्सनल एंट्रेंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों हमने यहां पर गेस्ट के लिए अलग से एंट्रेंस रखी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जब हाउस में गेस्ट एंट्रेंस लेता है तो उसको सामने यहाँ पर पूजा रूम दिखाई देगा, तो इससे हमारे हाउस में एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और आप यहाँ पर ड्राइंग रूम आप यहाँ पर देख सकते हैं और इस ड्राइंग रूम का साइज 15 फीट 9 इंच बाय 11 फीट का रहेगा, काफी अच्छा। और आपको यहाँ पर स्पेशियस ड्राइंग रूम देखने को मिल जाता है। आप इसका ओवरऑल व्यू देख लीजिए। सामने यहाँ पर आपको एक टीवी पैनल और अच्छी सीलिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आइए चलिए इसके बाद हम आपको एंट्रेंस एरिया दिखा देते हैं। आपको यहीं से हाउस के पार्किंग एरिया से जो आपकी पर्सनल एंट्रेंस है वहां से आपको एंट्रेंस मिल जाएगी और आपको यहीं पर हाउस का कॉमन टॉयलेट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है हमारे हाउस का कॉमन टॉयलेट और जो इसकी वेंटिलेशन है वो यहाँ से आपकी शाफ्ट के थ्रू होगी। हमने ऊपर 8 फीट पर एक शाफ्ट दी है और इसके ऊपर आपका एग्जॉस्ट फैन लग जाएगा और इसका साइज 10 बाय 5 फीट का है। तो आप यहां से पार्किंग एरिया से देख सकते हैं आपको यहां पर आपकी जो हाउस की पर्सनल एंट्रेंस है वो आपको यहां से देखने को मिल जाएगी। और हम हमारे हाउस के जो डाइनिंग एरिया है वहां पर एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं आपको यहां पर स्पेशियस जो डाइनिंग एरिया है वो देखने को मिल जाता है। इसका साइज 15 फीट 9 इंच बाय 13 फीट का रहेगा और जो इसकी हाइट रहेगी वो आपको यहां पर ड्यूप्लेक्स देखने को मिल जाती है, जिससे आपके हाउस की लुक काफी अच्छा यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ हाउस के फर्स्ट बेडरूम में चलते हैं। आप देख सकते हैं आप इसको मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं। इसका साइज 12 बाय 14 फीट का है। एक साइड में आपको यहाँ पर वार्डरोब देखने को मिल जाएगी और जो हाउस का बैक साइड है वहाँ पर ओपन एरिया है, आपका एक डोर वहाँ पर भी जाता है। और आपको इसी रूम के साथ अटैच ड्रेसिंग और आपको यहाँ पर एक टॉयलेट देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ये है इस रूम के साथ अटैच ड्रेसिंग एरिया। इसका साइज आपका 4 फुट 6 इंच बाय 6 फिट का रहेगा। और दोस्तों आपको इसी के साथ अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाता है। इसका साइज 7 बाय 6 फिट का रहेगा, जो कि आपको यहाँ पर काफी अच्छा साइज देखने को मिल जाता है। तो इससे आगे बढ़ते हुए हमारे हाउस के पूजा रूम की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक अच्छे साइज का पूजा रूम देखने को मिल जाता है। जो साइज है वो आपको नीचे मेंशन होते हुए दिख जाएंगे, आप देख सकते हैं।
दोस्तों आगे बढ़िए, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारे हाउस का किचन एरिया। इसका साइज 11 बाय 12 फीट का रहेगा। आपको यहाँ पर काफी अच्छा और स्टैंडर्ड साइज का आपको यहाँ पर किचन देखने को मिल जाता है। अच्छी आपको यहाँ पर सीलिंग्स देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों आपको हाउस के बैक साइड में ओपन एरिया यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ से हमारी किचन की एंट्रेंस भी रहेगी। और दोस्तों हाउस की जो तीनों साइड हैं वो अदर प्रॉपर्टीज रहेंगी, हम आपको यहाँ पर बता दें। जो ये बालकनी वगैरह हैं ये हमारे हाउस के बैक साइड में आएंगी। तो इससे आगे चलते हुए हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ चलते हैं। ये स्टेयर है, स्टेयर की जो विड्थ रहेगी वो 3 फीट और 6 इंच रहेगी, यानी जो स्टेयर है वो भी आपकी यहाँ पर स्पेशियस आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आप ऊपर की सीलिंग देख सकते हैं, सीलिंग आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है हमारे हाउस का सेकंड बेडरूम, आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर अच्छा एक टीवी पैनल और अच्छे साइज़ की आपको यहाँ पर वार्डरोब और अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इसका साइज़ 15 फीट 9 इंच बाय 11 फीट का रहेगा, जो कि एक आपका अच्छे साइज़ का आपको यहाँ पर रूम देखने को मिल जाता है। और इसके साथ आपको यहाँ पर अलग से अटैच बालकनी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद हमारी जो हाउस की दूसरी बालकनी है उसकी बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर अच्छे लूवर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके जो फ्रंट का लुक है इसको और ज़्यादा इन्हेंस कर देंगे। आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसके बाद आपको हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर भी यहाँ पर आपको एक कॉमन टॉयलेट देखने को मिल जाता है, और इसकी वेंटिलेशन भी आपके शाफ्ट एरिया से होगी। तो आइए चलिए इसके बाद हाउस के हम थर्ड बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये भी आपका यहाँ पर मास्टर बेडरूम है। आपको इसी बेडरूम के साथ अटैच बालकनी, आपको अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाएगा। और इस बेडरूम का साइज आपका 12 बाई 14 फिट का रहेगा। तो आइए चलिए इसकी बालकनी आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर बालकनी हाउस के रियर साइड में देखने को मिल जाएगी, और ये बालकनी आपकी 13 बाई 3 फिट की रहेगी। तो आइए इसके बाद आप इस रूम का अटैच ड्रेसिंग देख सकते हैं। इसका साइज आपका 4 फीट 6 इंच बाई 6 फीट का रहेगा, और आपको इसी के साथ अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाता है, और इसका साइज 7 बाई 6 फीट का रहेगा। आप देख सकते हैं आपको इसकी वेंटिलेशन हाउस के फ्रंट एरिया में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद बारी है हमारे हाउस के फोर्थ बेडरूम की। आप देख सकते हैं इस बेडरूम का साइज 11 बाय 12 फिट का है। इस रूम के अंदर हमने वार्डरोब नहीं दी है, इसलिए आपको यहां पर अच्छा स्पेस मिल जाएगा। तो हम इसके हिसाब से देखें तो आपका यहां पर 11 बाय 12 काफी अच्छा साइज है। जो हमारी वार्डरोब है उसके लिए हमने आपको यहाँ पर अलग से एक ड्रेसिंग रूम दे दिया है, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आइए चलिए इसके बाद हमारे हाउस के टेरेस एरिया की तरफ चलते हैं। आप सीलिंग यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसका ओवरऑल व्यू देख लीजिए, और इसके बाद हम ऊपर इसके टेरेस की बात कर लेते हैं। तो हम ऊपर एंट्रेंस लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर टेरेस एरिया देखने को मिल जाएगा। आपको एक साइड में यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास देखने को मिल जाता है, और हाउस के फ्रंट में हमने यहाँ पर एक सिटिंग और एक अच्छे साइज का हमने यहाँ पर आपको एक परगोला प्रोवाइड करवा दिया है, जो आपके फ्रंट से भी देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इसके बाद आप इसका ओवरऑल व्यू देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अच्छी वीडियोस अभी हमारे पास बहुत कंटेंट है, वो हम आपको इस पर आगे दिखाते रहेंगे। नमस्कार।